क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा है ना, तो माइंड से जितना करोगे उतना ठीक रहेगा। मेरा क्वेश्चन पूरा सॉल्व होने तक भी वो सर नहीं आए थे। और सर से तो मैं पहले सीएमसी में जब पढ़ा था माउस वर्क ही नहीं कर रहा था, फिर मैंने सर को बुलाया, बुलाने के बाद भी वो बहुत मतलब बट मैंने देखे ना 120 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन देखने का टाइम किसके पास है से था, लेकिन इंग्लिश में था वो सारे सीक्वेंस वाले क्वेश्चन दे दिए थे। जो हिंदी मीडियम से थे उनके लिए तो हिंदी बहुत ईजी थी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश बहुत ईजी थी। 3-4 क्वेश्चन तो कम से कम गलत भी थे उसमें, इतना छोटा छोटा लिखा था ना कि स्क्रीन में घुस के देखना पड़ रहा था, वो बहुत दिक्कत कर। अगर आप ज्यादा हर चीज में पेन उठा रहे हो ना, इसका मतलब ये कि आप आधा पेपर छोड़ रहे हो। मेरे खुद के इसमें माउस का प्रॉब्लम आ गया था, 2-2.5 मिनट माउस के उसमें इशू में गए। नमस्कार साथियों, सीएमसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर कॉलेज के बिल्कुल जस्ट सामने खड़े हुए हैं और थोड़ी ही देर में जो सेकंड शिफ्ट है उसके बच्चे बाहर निकलने वाले हैं और हम पूरा जो रिव्यू है उसका आपके सामने रखेंगे। क्या जो है डिफ़िकल्टीज़ सामने आई बच्चों को पेपर सॉल्व करने में, ये सारी एक एक चीज़ बारीकियाँ, बस लास्ट तक आप वीडियो में बने रहिए एंड तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएमसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर आए हैं और देखते हैं कि बहुत से बच्चे जो है एग्ज़ाम देकर निकल रहे हैं और देखते हैं कि क्या रिव्यू है। भाई आपका नाम? अर्पित साहू। आपके टोटल स्कोर कितना? 92। अच्छा, और कैसा लगा आपके हिसाब से, मतलब पेपर का लेवल क्या था? पेपर का लेवल काफ़ी इजी था मैं बोलूँगा, बहुत लेंदी था और कैलकुलेटिव काफ़ी ज़्यादा था। कैलकुलेटिव था, कैलकुलेशन में मतलब क्या आप? ये मान लीजिए कम से कम 20 से ज़्यादा क्वेश्चन एज से रिलेटेड आए थे, तो उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन था। सिंप्लीफिकेशन वगैरह कुछ? 3-4 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से थे। और आप ये बता सकते हैं दर्शकों को कि आपका जो एडवांस मैथ्स होती है और एक अर्थमेटिक मैथ्स होती है, तो इन दोनों में आपको वेटेज किसका ज़्यादा नज़र आया? देखिए दोनों का इक्वली था, ऐसा ज़्यादा नहीं था। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि इंग्लिश जो जैसे प्रीवियस पेपर में आई थी, कल वाले पेपर में, इतनी टफ नहीं आई थी और काफ़ी कम क्वेश्चन थे इंग्लिश के भी। अच्छा, जैसे मैथमेटिक्स में सवेरे वाले शिफ्ट में बच्चों ने कहा कि ट्रिग्नोमेट्री से कोई क्वेश्चन नहीं आया, क्या शाम वाले शिफ्ट में भी यही था या कुछ दिखाई दिया? नहीं, 2 क्वेश्चन थे ट्रिग्नोमेट्री के। ट्रिग्नोमेट्री के मतलब एक शिफ्ट में अगर जो होता है वो हर शिफ्ट में वैसा ही हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको तैयारी पूरी करके चलनी है। ठीक है, अच्छा, और ये बताइए कि मतलब इंग्लिश और हिंदी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इंग्लिश हिंदी ईजी थी, ईजी थी, मतलब जैसा पहले आई थी कल आई थी काफ़ी टफ आई थी। हाँ, आज की इंग्लिश हिंदी दोनों इजी थी। गद्यांश पद्यांश वगैरह? गद्यांश पद्यांश भी दोनों इजी। व्याकरण में कुछ? व्याकरण में ऐसा कुछ नहीं था, एक संधि समास के नॉर्मल से क्वेश्चन थे। हाँ, वालों के लिए मतलब जो हिंदी मीडियम से थे उनके लिए तो हिंदी बहुत ईजी थी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश बहुत ईजी थी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। पहले तो आपका नाम? दर्शना सिसोदिया। कितने मार्क्स आए? 81 मार्क्स। तो फाइनली पास हो गए ना? हाँ, क्वालिफाई हैं। तो पेपर के बारे में बताओगे कैसा क्या पेपर आया? पेपर में सबसे ज़्यादा रेशियो वाले, एज रेशियो वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, हर दूसरा क्वेश्चन एज रेशियो वाला था और पॉलीनोमियल्स के क्वेश्चन थे डिग्री कॉफिशियंट वाले। और इसके अलावा परसेंटेज से कोई क्वेश्चन? कोई भी प्रॉफिट लॉस वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, जियोमेट्री के क्वेश्चन थे, बाकी ट्रिग्नोमेट्री के कोई क्वेश्चन नहीं। जैसे कि हमने उसमें देखा था समलंब चतुर्भुज के, आयत के, वर्ग के। हाँ। और ट्रिग्नोमेट्री तो आई नहीं, इनके क्वेश्चन थे क्या ज्योमेट्री से? जियोमेट्री के ज़्यादा क्वेश्चन थे, समांतर चतुर्भुज, समलंब, त्रिभुज वगैरह, इन सबके ज़्यादा क्वेश्चन थे। और इसके अलावा जैसे कि उसको बोले पेडागोजी, तो पेडागोजी के भी लगभग 15-20 क्वेश्चन थे, वो कैसे क्वेश्चन आए? पेडागोजी बहुत ईजी आई थी। और हिंदी जैसे कि वो पूछा गया था गद्यांश और पद्यांश, तो वो बन पाया है नहीं? हाँ, वो भी बहुत अच्छे से था, लेकिन इंग्लिश में था वो सारे सीक्वेंस वाले क्वेश्चन दे दिए थे। पैरा जंबल क्वेश्चन दिए थे। हाँ, इजी था या थोड़ा सा टफ था इंग्लिश का पोर्शन? इंग्लिश का पोर्शन देखा जाए तो मतलब समझ में नहीं आ रहा था, उसके क्वेश्चन थे जो एक सीक्वेंस समझ में ही नहीं आ रहा था। और जीके कैसी आई थी? जीके भी नॉर्मली थी, इजी थी। कोई क्वेश्चन याद है? नहीं याद है। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम कुंदन राठौड़ है। कुंदन राठौड़, खुशी से आए हैं आप पेपर देने, कैसा? अब चेहरे की मुस्कान देख के तो लग रहा है कि काफ़ी अच्छा पेपर गया होगा। क्वालिफाई कर लिया, 88 आए हैं। क्या आपको डिफ़िकल्टी नज़र आई आज के पेपर में? डिफ़िकल्टी तो एज वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे वैसे, और कैलकुलेशन बहुत लेंदी थी। कैलकुलेशन बहुत लेंदी थी, मतलब टाइमिंग ज़्यादा ले रही थी कैलकुलेशन, जो मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, डिवाइडेशन वगैरह में। अच्छा, और अगर जैसे एडवांस मैथ्स की अगर बात करें तो उसका लेवल अच्छा था एडवांस मैथ्स में, जो मेंसुरेशन था बस कैलकुलेशन ज़्यादा थी, बाकी बहुत अच्छा था। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन? नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं मिला। अच्छा, सुबह भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन, अभी एक भैया ने कहा था कि 2 क्वेश्चन थे ट्रिग्नोमेट्री के।
अब जैसे जितने मैंने अटेम्प्ट किए उसमें तो मेरे पास तक कोई अच्छा अच्छा ऐसा हो सकता है। बाकी परसेंटेज वगैरह हाँ सब ठीक। पेडालॉजी आई थी बट मैंने देखी नहीं। 120 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन देखने का टाइम किसके पास है। अच्छा हिंदी के क्वेश्चन जो है हिंदी क्वेश्चन हाँ आसान थे बट अपना मैथ सब्जेक्ट था तो मैंने मैथ से भी फोकस किया। अच्छा हिंदी में व्याकरण में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं? गद्यांश पद्यांश तो हमने सुन लिया कि ठीक है वो आसान आ रही। तो सर मैंने रीड ही नहीं किया ना। अच्छा तो अच्छा ओनली केवल मैथ्स इन्होंने अटेम्प्ट किया। चलिए तो बहुत बढ़िया। हेलो फर्स्टली आपका नाम? कुलदीप मीना। कहाँ से हो आप? शोपुर एमपी। यस ओके। आपने तैयारी कहाँ से की है? नहीं तैयारी तो सेल्फ ही की थी मैंने। सेल्फ की है। और आपके मार्क्स? मार्क्स 121। 121 इनके मैं बता दूँ लैब में हाईएस्ट मार्क्स हैं 121। और सर आपके मार्क्स? 106 सर के मार्क्स हैं। तो आप दोनों मिलकर बताओगे कि पेपर में कहाँ से आया, क्या पूछा और किस तरीके से करें कि इतने मतलब 100+ मार्क्स अपन अचीव कर सकते हैं। मैम देखो हिंदी में तो कुछ एक तो गद्य पद्य थे गद्यांश पद्यांश, उसमें एक आध व्याकरण जैसे संधि समास का भी था क्वेश्चन, और मैथ्स में मेंसुरेशन ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री से तो कुछ नहीं था, अलजेब्रा के क्वेश्चन भी थे और फिर बाकी की अरिथमेटिक पोर्शन था। रेशियो प्रोपोर्शन से कोई क्वेश्चन? रेशियो प्रोपोर्शन से आए थे बस डेटा तो ध्यान रहता नहीं है। और तो और आयु वाले लगभग आपको कितने क्वेश्चंस? वाले 10+ ही होंगे। केवल आयु के क्वेश्चन है 10+ होंगे 15-20 तो मान लेना। और ज्यादा ना आयु के क्वेश्चन केवल आयु क्वेश्चन थे, क्षेत्रमिति थे, ज्योमेट्री थे, कुछ क्वेश्चन उसमें गलत भी थे, 3-4 क्वेश्चन तो कम से कम गलत भी थे उसमें। तो ये मान के चल सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम होंगे। और पेडागोजी में लगभग कैसा क्या था? पेडागोजी तो पढ़ी भी नहीं थी तो पेडागोजी के तो ऑप्शन देख के भी लगा सकते हैं। और सर से तो मैं पहले सीएमसी में जब पढ़ा था 2019 में पढ़ा था तो सर ने पढ़ाया था हमें। जीएस पढ़ाया था सर ने। तो मतलब सीएमसी के स्टूडेंट हो तो बोलना, सीएमसी के स्टूडेंट हो भाई बोलना चाहिए तुमको कि सीएमसी के स्टूडेंट हो तो। नहीं पहले अब तो क्या मैं गाँव में रहने लग गया। ये बताओ कि पुराना पढ़ाई काम में तो आती है ना? यस मैम। कितना काम में आया? पूरा ही काम में आया, जो पढ़ाई तो क्या व्यर्थ थोड़ी जाती है। ओके इसके अलावा और कोई टॉपिक जैसे कि हमें एज से ज़्यादा क्वेश्चन मिल गए, टिग्नोमेट्री से बिल्कुल मिला ही नहीं, रेशो प्रोपोर्शन और इसके अलावा सीआईएसआई नहीं आया, परसेंटेज बिल्कुल नहीं आया, और कोई टॉपिक? अलजेब्रा और अरिथमेटिक तो पूरा ही देखना पड़ेगा। और बहुपद वाले क्वेश्चन? बहुपद वाले जो अरिथमेटिक में आ गए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह सारी। और जीके कैसी आई थी? जीके के क्वेश्चन तो ध्यान होंगे। एक तो ये फर्स्ट सीएम कौन था मध्य प्रदेश का? तो रविशंकर शुक्ल था ही सही। एक अटल बिहारी जी को कब मिला हो? भारत रत्न। एक ये था और मैराथन में कितनी दौड़? मैराथन में 42 किलोमीटर की कुछ होती है वो था। तो ऐसे ये 3-4 क्वेश्चन इजी थे, ये लग भी गए नहीं तो होते भी नहीं, ज़्यादा टफ आया। थैंक यू सो मच। आपका नाम? पूजा। ओके और आपकी कैटेगरी? ओबीसी। तो आपको 75 मार्क्स चाहिए होंगे। हाँ, तो कितने आए आपके? 98 नंबर 75 चाहिए थे, इन्होंने जनरल कैटेगरी से ही फाइट कर लिया। तो फिर पेपर बताओगे कैसा क्या पेपर आया? पेपर में एज रिलेटेड क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा थे, बाकी तो कितने मान लें 20+ तो आराम से 25+ भी बोल सकते हैं, 30 अराउंड बोल सकते हैं। हाँ एज वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे। हाँ बस अभी जो 3 शिफ्ट से चल रहा है ना वैसे ही रहा है, बहुत ज़्यादा रहा। इसके अलावा अगर ज्योमेट्री बोले तो लगभग उसके ज्योमेट्री के कितने क्वेश्चन? ज्योमेट्री के ज़्यादा नहीं दिखे मुझे, 4 बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम 4-5 क्वेश्चन। इसके अलावा आयत के, वर्ग के, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ये मेंसुरेशन था, अच्छा खासा मेंसुरेशन था। हाँ अच्छा खासा था। और 2D के कोई क्वेश्चन? 2D टू डी में ये वर्ग से आए थे। हाँ, और जैसे कि वर्ग का रेडियस दे दी थी। हाँ उसके बाद में फिर अपने को हाँ मतलब क्वेश्चंस इस टाइप टफ नहीं थे, बस लेंथी ऐसे थे कि आपको एक शेप दे दिया, एक शेप की एक साइड दे देंगे और उसके मान लो उसके क्षेत्रफल से दूसरे शेप का क्षेत्रफल इक्वल है, देन वैसे करके इक्वलिटी के साथ जो करते ना बहुत दिक्कत, मतलब टाइम इतना कंज्यूम हो रहा था कि भाग रहा था टाइम बस। जैसे कि ऐसे क्वेश्चन दे दिया था ना कि आयत का क्षेत्रफल इतना है, उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल निकालो, उसकी परिधि कितनी होगी, उसकी परिधि कितनी होगी या उसके क्षेत्रफल का इसके क्षेत्रफल के साथ रिलेशन क्या होगा, रेशो क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल निकालो फिर इसका निकालो फिर उनका रेशो भी निकालो। और बहुपद के क्वेश्चन भी थे, घातांक करनी, घातांक करनी ये भी थे, अप्रोक्स 15-20 क्वेश्चन होंगे आराम से। और सिंपल क्वेश्चंस थे, सिंपल क्वेश्चंस थे, इजीली होगा। अगर जीएस की बात करें तो जीएस कैसी थी? जीएस एक्चुअली मैंने खुद ने बिल्कुल प्रिपेयर नहीं की थी तो मुझे उसका कोई आइडिया भी नहीं। पेडागोजी?
पेडागोजी, मैथ पेडागोजी के तो मुझे 4-5 क्वेश्चन मिले बस, लास्ट में जैसे 15 समथिंग क्वेश्चन, वो सीडीपी था, पूरा सीडीपी लास्ट में पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट था, और उसमें भी बस एक थॉन्डाई का क्वेश्चन मिला, बाकी सब तो फिर ऐसे थे कि अपने को अपने अकॉर्डिंग आंसर करना था, अकॉर्डिंग जैसे बेसिक क्वेश्चन होते हैं सोचे तो आंसर कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए चारों में से ऑप्शन, जो उस टाइप के क्वेश्चन होते ना वैसे। और हिंदी की बात करें तो हिंदी में कोई क्वेश्चन, गद आया था, एक पद आया था, इतना छोटा छोटा लिखा था ना कि स्क्रीन में घुस के देखना पड़ रहा था, वो बहुत दिक्कत करे। इसके अलावा वहाँ पर जैसे कि कुछ लोगों को दिक्कत आ रही थी कि है ना थंब नहीं लग रहा है या फिर कोई और, हाँ ये प्रॉब्लम भी आई, और मेरे खुद के इसमें माउस का प्रॉब्लम आ गया था, मेरे 2 से 2.5 मिनट माउस के उसमें इशू में गए, माउस वर्क ही नहीं कर रहा था, फिर मैंने सर को बुलाया, बुलाने के बाद भी वो बहुत, मतलब मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया था, वो क्वेश्चन सॉल्व करने तक मैंने उनको क्वेश्चन पढ़ते से ही आवाज़ लगा दी थी कि सर प्रॉब्लम आ रही, माउस नहीं चल रहा है, और फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करने लगी, मेरा क्वेश्चन पूरा सॉल्व होने तक भी वो सर नहीं आए थे, फिर उसके बाद मैंने डबल से आवाज़ लगाई, मैंने बोला सर प्लीज़ आप हेल्प कर दीजिए, प्रॉब्लम आ रही है, थंब में भी दिक्कत आ रही थी, थंब लगने में 2 से 3 लड़कियां मैंने ही देखी कि जिनके थंब में, फिर आई आई का वो लिया था उसमें भी प्रॉब्लम आई थी, मतलब आई साइड भी नहीं आ रहा था उसमें, और वर्किंग जैसे कि रूडली बात करना या बिहेव इस तरीके, थोड़ा सा बिहेव मुझे भी लगा, मतलब पहली बार ही लगा, मैंने सीटेट दिया, इसके पहले बहुत बहुत अच्छे से टीचर्स बात करते, पर यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ लगा, रिव्यू के लिए थैंक यू सो मच। हमारे सामने CMC की एक होनहार स्टूडेंट खड़ी हैं जो कि पटवारी बैच की थी, है ना, तो आपका नाम बता दीजिए। महिमा यादव है मेरा नाम, महिमा यादव इनका नाम है, और जो है काफ़ी अच्छा पेपर इनका गया है, मार्क्स बता सकते हैं 96 मार्क्स हैं बच्चों, लेकिन अभी जितना भी रिव्यू लिया उनसे देखा जाए उनके कंपेयर में तो ठीक मार्क्स है आपके, है ना। अच्छा ये बताइए कि मैथ्स का आज पेपर था तो क्या आपने, कैसा डिफ़िकल्ट था, थोड़ा कैलकुलेटिव था, कैसा लगा आपको मैथ्स का? मैथ्स का पेपर इजी आ रहा है, जो था जैसे कि मीटर का सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर का डेसिमल में चेंज करने वाला जो रहता है मापन चेंज करते हैं, उनके क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, उनके क्वेश्चन आने से क्या हो रहा है कि टाइमिंग बहुत ज़्यादा लग रही है, प्लस माइनस से भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, और जो एज वाले हैं ना उसमें भी कैलकुलेटिव दे रहा है वो, तो ज़्यादातर अगर देखा जाए ना तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव बना दिया पेपर को, मैथ का 120 नंबर से ज़्यादा तो जो बोल ही रहे हैं बच्चे वही है, और कैलकुलेटिव है, बाकी पेपर इजी है, कोई टॉपिक नहीं। और सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन कुछ, 2-4 क्वेश्चन थे लास्ट में, 2-4 क्वेश्चन मैंने सुना है कि MP के भी बहुत सामान्य से क्वेश्चन आए, MP का भी था, ये था अटल बिहारी जी को था एक तो कि उनको, हाँ भारत रत्न कब मिला था एक उनका था, और मुख्यमंत्री पूछे थे MP के पहले मुख्यमंत्री पूछे थे, अगर चाहो ना मतलब जो बच्चा बिना पेन के जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है ना वो पूरा कर सकता है, अगर आप ज़्यादा हर चीज़ में पेन उठा रहे हो ना इसका मतलब ये कि आप आधा पेपर छोड़ रहे हो, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा है ना, तो माइंड से जितना करोगे उतना ठीक रहेगा। चलिए ठीक है, तो आज का यही था इनका रिव्यू। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा ये था हमारा आज का रिव्यू, जिसमें आपको देखने को मिला अगर टॉपिक की बात की जाए तो एज के क्वेश्चंस 20+ क्वेश्चंस इस शिफ्ट में भी हमें देखने को मिले, ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल नहीं आया, प्रोपोर्शन बिल्कुल नहीं आया, रेशो प्रोपोर्शन बिल्कुल भी नहीं आया, इसके अलावा बात की जाए परसेंटेज वो भी नहीं देखने को मिला, और एक ही टॉपिक से हमें ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री नाम मात्र की भी नहीं थी, जबकि सिलेबस में है कि 20% आना है लेकिन नहीं आई, पेडागोजी के लगभग 15 से 20 क्वेश्चन थे जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट था, और 5-7 क्वेश्चन पेडागोजी के हमें देखने को मिले, अगर बात की जाए यहाँ पर ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा आई और एज वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए, रीजनिंग बिल्कुल नहीं थी, और हिंदी में आपको पद्यांश पूछे गए हैं और इंग्लिश में पैरा जंपल पूछे गए हैं, और क्वेश्चंस आपने देख ही लिए हैं रिव्यू में, और यहाँ पर इसके अलावा आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस सेंटर में फेस करने को मिली हैं स्टूडेंट्स को, जैसे कि उनके आईरिस स्कैन नहीं हो रहे थे, थंब नहीं लग रहा था, इसके अलावा माउस का ना चलना जिसमें 2.5 से 3 मिनट एक स्टूडेंट के बर्बाद हुए हैं, तो फ्रेंड्स वैसे ही गिनती का 2.5 घंटा मिलता है, उसमें से 3-4 मिनट बर्बाद होना मतलब 3 से 4 क्वेश्चन जाना, और अगर वो पास होना चाहता है तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि 75 नंबर 90 नंबर लाने हैं और 3 क्वेश्चन मतलब 1 नंबर से भी फेल हो जाएंगे तो आगे के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स ना हो तो ये चीज़ भी गवर्नमेंट को देखनी चाहिए फ्रेंड्स यहाँ पर, और आप इसी तरीके की वीडियोज़ को देखने के लिए बने रहिए CMC इंदौर के साथ, चैनल को लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच।